नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांसाई को यूट्यूब चैनल पर। चर्चा मित्रों, आज हम करेंगे रीट लेवल सेकंड के साइंस मैथ की अनुमानित कट ऑफ के बारे में, और जानने का प्रयास करेंगे कि कितने पद थे और उन पदों पर क्या जो कंपटीशन है वो रह सकता है। लेवल वन के आधार पर भी हम उसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, कि जो आपका जो साइंस मैथ का जो पेपर था रीट 2023, काफ़ी चर्चाओं में रही है ये वैकेंसी, और इसमें अपन चर्चा करेंगे साइंस मैथ की। साइंस मैथ में अच्छे खासे पद थे, और ये जो पद थे दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो नॉन टीएसपी और एक टीएसपी। यहाँ हम बात करें कि जो नॉन टीएसपी के जो पद थे मित्रों, नॉन टीएसपी के पद थे 6322, अर्थात 6322। ये जो पद थे ये तो किसके थे, नॉन टीएसपी एरिया के पद थे। और इसी के साथ हम देखें कि 1113 जो पद थे वो टीएसपी एरिया के अंतर्गत आए थे। जैसा कि अभी आपने देखा कि L1 में जो कट ऑफ गई है, L1 की वैकेंसी काफ़ी अधिक थी, 21,000 वैकेंसी थी, और उसके आधार पर जो कट ऑफ निकली है, निश्चित रूप से वैकेंसी जो कट ऑफ है वो कम गई है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जो साइंस मैथ की कट ऑफ है वो L1 से भी कम रहेगी। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि L1 का पेपर आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, साइंस मैथ का पेपर आपने भी दिया होगा और हमने भी देखा है कि जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो L1 और साइंस मैथ वाले पेपर की तुलना करें तो बहुत ज़्यादा अंतर था। L1 का पेपर काफ़ी ईजी था, और साइंस मैथ का पेपर, मुझे नहीं लगता साइंस मैथ का पेपर जो लेवल सेकंड में जितने भी एग्जाम्स हुई थी, जितने विषयों की एग्जाम हुई, सबसे कठिन और सबसे हार्ड पेपर वही था, एक SST का और एक लेवल सेकेंड में साइंस मैथ का। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि इसकी कट ऑफ लेवल फर्स्ट से तो कम ही रहने वाली है, उसके आसपास ही रहने वाली है। हम चर्चा करेंगे कि ये जो वैकेंसी है आपको पता है, इसके आधार पर जो कुल आवेदन प्राप्त हुए थे इसमें वो हुए थे 19, अर्थात 1,93,186 कुल आवेदन प्राप्त हुए थे, 1,93,186 कुल आवेदन प्राप्त हुए थे टोटल। इतने जो वैकेंट पोस्ट थी उस पर आवेदन प्राप्त हुए थे, 1,93,186 आवेदन हमें प्राप्त हुए थे, अर्थात ये हमारा कंपटीशन का जो दायरा है। यहाँ हम बात करें कि विभिन्न विषयों में जो कट ऑफ गई है वो किस आधार पर गई है, लेकिन आज हम चर्चा केवल किसकी कर रहे हैं, साइंस मैथ के विद्यार्थियों की चर्चा कर रहे हैं। देखिए मित्रों, साइंस में जहाँ तक अनुमानित है कि जो डबल की मैं बात करूँ, डबल कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ, तो डबल में जो रेशो रह सकता है, डबल कैंडिडेट का जो रेशो रह सकता है और एक सिंगल का क्या रेशो रह सकता है, इन दोनों की हम चर्चा करेंगे। आप अपनी कैटेगरी का एक बार मिलान करिएगा कि हम किस कैटेगरी में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, जनरल के जो विद्यार्थी हैं वो लगभग 90 क्वेश्चंस के आसपास डबल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और मैं यहाँ पर फाइनल की बात करूँ तो लगभग 4-5 क्वेश्चनों का अंतर देखने को मिलेगा आपको। 95 के आसपास जो क्वेश्चन है वो सिंगल जो कट ऑफ है, अर्थात जो फाइनल कट ऑफ है, उसके अंतर्गत ये दायरा निश्चित रूप से आ जाएगा। जनरल की बात कर रहे हैं हम, OBC की बात करें निश्चित रूप से कि थोड़ा सा अंतर तो आएगा, क्योंकि L1 में पोस्ट ज़्यादा थी और यहाँ पोस्ट थोड़ी सी उससे तो कम है, बाकी अन्य सब्जेक्ट में L2 में उसके बजाय यहाँ पोस्ट सबसे ज़्यादा है। यहाँ OBC की बात करें तो लगभग मुझे लगता है कि 87 के आसपास OBC की कट ऑफ रहेगी, और लास्ट यहाँ पर 91 के आसपास ये कट ऑफ फाइनल में रह सकती है। EWS की भी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। EWS के जो अभ्यर्थी हैं, EWS के अभ्यर्थियों की 83 के आसपास यहाँ रह सकती है, और जो लास्ट है वो 87 के आसपास यहाँ जा सकती है। हम चर्चा करें कि SC और ST की भी चर्चा करें कि SC के जो कैंडिडेट हैं वो डबल में तो कितने आ सकते हैं और सिंगल में कितने आ सकते हैं, अर्थात डबल जो कट ऑफ है उसमें कितने आएंगे। तो डबल कट ऑफ में जो मुझे जहां तक लगता है कि 78 के आसपास जो अभ्यर्थी जो अपने नंबर लाए हैं वो डबल में तो आ जाएंगे, लेकिन डबल से फ़ायदा क्या, बाद में बाहर निकल जाएगा तो ज़्यादा दुख होगा, इसलिए हमें तो डबल में नहीं, हमें सिंगल में आना है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 83 नंबर जिसके बन रहे हैं वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ महसूस कर सकता है, और जो ST के जो विद्यार्थी हैं, ST के विद्यार्थी जो लगभग 76 क्वेश्चन या 75 या 76 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि यहाँ पर हो सकते हैं, और फाइनल कट ऑफ में वही 4-5 अंक जो प्रश्न है उनका अंतर आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये एक अनुमानित कट ऑफ है, और ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो वैकेंसी है उसके आधार पर ये डिवाइडेशन हुआ।
कई विद्यार्थियों से, साइंस के विद्यार्थियों से मैं भी मिला हूँ, कुछ ही एक ही विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, बाकी अधिकांश विद्यार्थी जो रीट जो पहले उन्होंने दी थी पात्रता परीक्षा उसमें 120 और 130 नंबर लेकर आए थे, वो विद्यार्थी ऐसी स्थिति में कुछ तो क्वालिफाई भी नहीं हो पाए थे, मतलब क्वालिफाई से मतलब यहाँ पर इतने कम नंबर उनके आ रहे हैं कि कोई 70 नंबर लेकर आ रहा है, कोई 75 नंबर लेकर आ रहा है, 80 से जो ऊपर जो विद्यार्थी जो नंबर लेकर आए हैं निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पेपर का लेवल था साइंस का बड़ा अच्छा था, इस कारण से थोड़ा सा जो लेवल है कट ऑफ का वो थोड़ा सा गिरेगा अन्य सब्जेक्ट की बजाय, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट में वैकेंसी भी कम है, यहाँ वैकेंसी भी ज़्यादा है, पेपर का लेवल अन्य सब्जेक्ट का थोड़ा सा हल्का भी था, यहाँ पर पेपर का जो लेवल था थोड़ा सा अच्छा लेवल का था, टफ पेपर था थोड़ा सा, इस कारण यहाँ उम्मीद यही जताई जा रही है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। यहाँ शर्त यह है कि किसी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ एग्जाम में नहीं हुई है तो निश्चित रूप से यहाँ इसके आसपास ही जो आपकी कट ऑफ है वो स्टैंड करने वाली है। निश्चित रूप से आप सभी ने जो अन्य सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में बताया तो काफ़ी विद्यार्थियों की प्रश्न है कि साइंस का मैथ का भी बता दीजिए एक बार, तो मैंने विभिन्न सोर्स कहाँ से आएंगे, सोर्स विभिन्न यूट्यूबर जो अच्छे जो साइंस के टीचर हैं उनके वहाँ से, साथ के साथ में जो अपने आसपास के जो विद्यार्थी हैं उनसे, जो आप लोगों के कमेंट्स हमें नीचे सजेशन बॉक्स में प्राप्त होते हैं उनके आधार पर ये सोर्स है। तो जहाँ तक मेरा जितने मैंने कमेंट्स देखे हैं, कम से हज़ारों कमेंट्स मेरे पास आए हैं, और जितने जो टीचर्स हैं उनका मैंने देखा है कि लगभग यही जो दायरा है जो साइंस को काफ़ी समय से जी रहे हैं पढ़ रहे हैं उनका दायरा यहीं आसपास घूम रहा है, तो मैंने भी यहीं बताने का आपको प्रयास किया है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, आप सभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।